ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज हम मार्वल और डीसी से हटके कुछ और सुपर हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि नया कैरेक्टर है तो शायद आपको शुरुआत में मेरी बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगें, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना वरना आपको पता भी नहीं है कि अगर आप एक सुपर हीरो फैन है तो आप एक कितने बड़े जैम को मिस कर दोगे। मूविंग ऑन, थैंक्स टू सुपर इंडिया फॉर देयर इनिशिएटिव, जहां उन्होंने बताया एक टेलीकॉम साइफाई नोवेल रिदम रोजर्स सीक्रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में। उनकी ये वीडियो देखने के बाद आई वॉज क्यूरियस कि आखिर है क्या इस बुक के अंदर। रुको, शुरू से समझाता हूँ। सो आई केम अक्रॉस दिस वीडियो ऑफ सुपर इंडिया, जहाँ इन्होंने बताया एक नोवेल के बारे में जो कि बेस्ड है हमारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट को सुपर हीरोज के वर्ल्ड से इंटरेस्टिंगली कनेक्ट करने के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये नोवेल यानी कि रिदम रोजर्स द सीक्रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसेंटली ही रिलीज हुई, जिसे लिखा है हिमांशु राय नाम के एक राइटर ने। एंड करंटली बींग अ बेस्ट सेलर, ये बुक काफी सारे सुपर हीरो फैंस का ध्यान खींच रही है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कॉन्सेप्ट। ये स्टोरी है एक ऐसे ऑल्टरनेट वर्ल्ड की जो कि हमारे वर्ल्ड से कम्प्लीटली डिफरेंट तो है मगर इसके साथ कोएग्जिस्ट करता है, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस वर्ल्ड का नाम है इलेक्ट्रॉन। और इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर रिदम फिनलैंड का रहने वाला एक साइंटिस्ट है, जहां वो अपने इस फुल ऑफ एडवेंचर्स की कहानी की शुरुआत में मिलता है एक ऐसे कैरेक्टर से जो कि उसके लिए तो एक एलियन ही था मगर वो आया था इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड से उसे ले जाने के लिए ताकि रिदम उनके वर्ल्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन को बचा सके। बेसिकली सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बाकी किसी भी सुपर हीरो या एक्शन जोनरा की कहानी से मिलता जुलता है, तो इसमें अलग क्या है। वेल, आई विल से द प्लॉट एंड द राइटर्स वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लॉट, जहाँ हिमांशु राय ने इस बुक के प्लॉट को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है। जहाँ आप शुरुआत करेंगे तो आपको शुरुआती चैप्टर्स में एक्सप्लोर करने को मिलेगा रिदम रोजर्स का पूरा बैकग्राउंड और एक कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिससे आप इस कैरेक्टर से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड फील कर पाएंगे। और आगे चलते चलते रिदम के अलावा भी काफी सारे एलिमेंट्स पर भी राइटर ने काफी बारीकी से काम किया है, जहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट को ही पूरा सेंटर नहीं बनाया गया बल्कि स्टोरी पर भी पूरा ध्यान दिया गया है, जिससे आपको इस स्टोरी को पढ़ते वक्त ये नहीं लगेगा कि आप रिदम रोजर्स की स्टोरी देख रहे हो। यू विल फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए आप कंसिडर कर लीजिए हैरी पॉटर को ही। सच में मैंने ये बुक पढ़ते वक्त हैरी पॉटर से काफी रिलेट किया, जहाँ हैरी पॉटर की कहानी में हमें सिर्फ हैरी की ही स्टोरी नहीं देखने को मिली थी बल्कि पूरा एक मैजिकल वर्ल्ड डिस्कवर करने को मिला था। तो एग्जैक्टली वही, या कहूँ उससे भी कुछ नया यहाँ आपको एक्सपीरियंस करने को जरूर मिलेगा। और भले ही ये नोवेल एक साइफाई यानी कि साइंस फिक्शन स्टोरी को दिखाती है जहाँ हर चीज महसूस तो ऐसी होनी चाहिए कि रियल वर्ल्ड में कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, बट राइटर हिमांशु राय को इस चीज के लिए काफी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हर एक चीज को रियल वर्ल्ड के बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंसिडर करते हुए काफी सिंपल और रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट किया है। साफ शब्दों में कहूँ तो स्टोरी पढ़ते वक्त आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं इलेक्ट्रॉन जैसा वर्ल्ड सच में तो एग्जिस्ट नहीं करता। Being a science student, I can assure you, ये book काफी well researched है, जहाँ author ने realistic concepts और facts को fiction, यानी कि काल्पनिक कहानी से जोड़ने में खूब दिमाग लगाया है। यही reason है कि मैं इस पर एक dedicated video बना रहा हूँ, क्योंकि इस book को read करने का experience एक बहुत ही unique experience था मेरे लिए। Maybe अगर आपको novels read करने की आदत नहीं है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो read ही नहीं कर पाऊंगा ये। Well, same goes for me, मैंने भी यही सोचा था। बट जब मैंने देखा कि सुपर इंडिया और पीजे ने ये बुक पढ़ ली है तो हम इस रेस में क्यों पीछे रहे, और बस रीड करना स्टार्ट करने की देरी थी, फिर तो इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती जाती है कि आप हर पॉइंट पर ये सोचते रहोगे कि यार अब इसके साथ क्या होगा। और साथ ही इलेक्ट्रॉन का हमारे वर्ल्ड से सिमिलैरिटीज को देखना भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली अगर आप इसे रीड करते हैं तो आपको कॉमिक्स, सुपर हीरोज और हैरी पॉटर सबका फील एक साथ ही आएगा। You serious? तो आपको कॉमिक्स, सुपर हीरोज और हैरी पॉटर सबका फील एक साथ ही आएगा। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही? नहीं। आप चाहे तो इसे मेरी तरह किंडल पर भी परचेज करके रीड कर सकते हैं, जहां ये सिर्फ 99 रुपीज में अवेलेबल है। एंड आई अश्योर यू, यू वॉन्ट रिग्रेट बाइंग इट। किंडल से बाय करने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप सीधा उस लिंक पर जाके इसके ई बुक वर्जन को परचेज कर सकते हैं।
और इसका पेपरबैक वर्जन भी अब Amazon पर अवेलेबल है। उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। आप ईबुक या पेपरबैक जो भी प्रेफर करें उस वर्जन को रीड कर सकते हैं, बट आई डेफिनेटली रिकमेंड इट। अब बॉलीवुड का तो भरोसा भी नहीं है कि इस नॉवल पर बेस्ड एक साईफाई मूवी बनाएंगे या नहीं, पर इस बुक को पढ़ने का एक्सपीरियंस सच में आपके लिए काफी शानदार होगा। और क्या पता इस बुक को हम सब मिलकर इतना पॉपुलर कर दें कि इस पर बेस्ड हमें किसी दिन एक लाइव एक्शन मूवी भी देखने को मिल ही जाए। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बताना जरूर कि आप रिदम रोजर्स की बुक को पढ़ने के लिए कितने एक्साइटेड हो, और आप इसका पेपरबैक वर्जन लेंगे या ईबुक वर्जन, और इंडिया में सुपर हीरोज से रिलेटेड लिटरेचर को प्रमोट करने में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं जस्ट बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सुपर हीरोज से ही रिलेटेड कुछ और यूनिक वीडियोस देखने के लिए इनमें से किसी वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।